हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक नई पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, जिसके लिए वैकेंसी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये वैकेंसी जो आई हुई है वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आइए डेट जानते हैं उसकी, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है। एप्लीकेशन जो है वो 24 को आ जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो 5 PM तक। लास्ट डेट जो है फी पे करने का वो है 28 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफलाइन पेमेंट का जो है वो 1 नवंबर तक है, ठीक है। तो इसी के साथ जो सीबीटी एग्जाम की डेट जो है वो जनवरी फरवरी 2022 के आसपास होने वाली है और एडमिट कार्ड जो है उसके पहले आप सभी को मिल जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज के चार्ज लिया जा रहा है, फीस है, और एससी एसटी पीएच और वुमेन के लिए कोई चार्ज नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और SBI के ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट 9 वैकेंसी डिटेल, 3200 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसमें मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल 3 लेवल पर वैकेंसी आई हुई है और 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट जो है पोस्ट वाइज उसमें एज वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन एज लिमिट का होगा वो 1 जनवरी 2021 से किया जाएगा। क्लास 10th मैट्रिक के लिए क्लास 10th हाई स्कूल किसी भी एग्जाम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए आपको। इंटरमीडिएट के लिए 10+2 डिमांड की गई है और बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन के लिए की गई है। इसके साथ ही जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फिर कर्नाटका, केरला, नॉर्थ ईस्ट रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथ रीजन एंड वेस्टर्न रीजन के लिए, यानी हर रीजन के लिए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ जॉब्स आपके लिए आई हुई है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप भर सकते हो फॉर्म। फॉर्म भरने का जो तरीका है, मेथड, हमने बहुत इजी बना रखा है। आपको सिंपल क्या करना है, हमारी वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको टाइप करना है www.royalis.com और आप जैसे ही इस पर टाइप करते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो। और जैसा कि यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में हमने गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन को लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते ही आप इस हमारे अलग से पेज पर आ जाते हैं। और इस पेज पर आकर के आप जैसे ही यहाँ पर SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए क्लिक करते हैं, इस लिंक से आप सीधे ही उस पेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर्म आया हुआ है और यहाँ पर आकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज के जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जॉब जो है वैकेंसी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और तब तक के लिए नई जॉब जब तक आपके पास फिर लेके हम आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।